आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हित में काम नहीं करना चाहती। मायावती रीवा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी ने रीवा के एफएस ग्राउंड में भी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी सहित कई अन्य मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को बीजेपी व कांग्रेस की सरकारों के द्वारा पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। अब आप लोगों को कांग्रेस व बीजेपी आदि आदि के चुनाव में जारी किए गए जिनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के मेहकावे में नहीं आना है। हालांकि इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आगे जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों की तरह खासकर वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। मायावती ने कहा, दोनों ही पार्टियां दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हित में कुछ करना नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण तथा आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी केंद्र व प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा तथा जनसभा में उपस्थित लोगों को बसपा में वोट करने की अपील की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।